नमस्कार दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है आज उसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन किया है वो लोग अगर देखना चाहते हैं कि उनको अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ है या नहीं, तो उसके लिए मैं दो लिंक आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे कि कैसे आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, जो ये अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, तो मतलब जिन सिक्योरिटीज़ के थ्रू यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये आईपीओ का पूरा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो उनमें अगर आप देखें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ये काम कर रही है, और नेमूरा फिनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में, तो जो ये दो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ हैं ये यहाँ पर कामकाज कर रही है इस आईपीओ को प्रोसेस करने के लिए। और जो रजिस्टर हैं, रजिस्टर मीन्स जो आपके आईपीओ को यहाँ पर डीमैट तक पहुँचाने का काम करते हैं, हिसाब किताब जो सारा कुछ कहते हैं वो करते हैं, वो यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कामकाज कर रही है के फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप दो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर के फिन टेक जो इसका इनका जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट आईपीओ करके ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ का जो ऑप्शन है वो तब तक शो नहीं करेगा जब तक यहां पर जो आईपीओ का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब कंप्लीट होगा तब यहां पर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ का जो यहां पर आइकॉन है वो दिख जाएगा, और वहां पर आप एप्लीकेशन नंबर से भी यहां पर चेक कर सकते हैं, डीपी आईडी क्लाइंट आईडी से भी चेक कर सकते हैं, पैन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पर स्टेटस है वो दिखा देगा। और दूसरा जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वो है बीएससी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको यहाँ पर इक्विटी में मतलब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप सीधा उस लिंक से जाकर यहाँ पर चेक कर पाएंगे, लेकिन ये भी तब तक आप नहीं देख पाएंगे जब तक आईपीओ का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। मतलब जिस डेट को यहां पर बेसिक अलॉटमेंट स्टेटस आपको यहां पर नोटिफाइड किए गए हैं कि इस डेट को आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है या नहीं, तो उस डेट को आप जाएंगे और इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है आप देख पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी वेबसाइट के इन दोनों में से जाकर आप देख पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तक आज की डेट में इसका लास्ट डेट है। मैंने यानी कि मैं आप बात कर रहा हूँ 9 सितंबर 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आईपीओ खुला हुआ है, आप चाहे तो अप्लाई कीजिए, और एक नाम पे ज़्यादा एप्लीकेशन करने से मतलब ज़्यादा लॉट अप्लाई करने से अच्छा है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर करें, ताकि आपका जो अलॉटमेंट का चांस है वो बढ़ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू।